स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप अपने चैनल पे YouTube इंफॉर्मेशन चैनल लेटर टू रियल एस्टेट उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जिस तरह के आपसे पहले बताते रहे कि मैकडोनल्ड आ रहा है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से फेज 7 के अंदर हम बैठे हैं और पहले भी सर्विसेज देते रहे यहाँ से। आज हमने कहा चलो आपको बता दें कि हम एग्जैक्ट उसी जगह पर बैठे हैं और ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है फेज 7 के रेजिडेंशियल के लिए कि यहाँ पे एक सर्विस फूड है आपके पास और मुफ्त पेट्रोल पंप बन रहा है और भी काफ़ी चीज़ें आ रही है जो आपको ज़रूरत है आपकी लाइफ में कि आप यहाँ पे अगर घर बनाते हैं तो। दो चार दिन पहले मैं वीडियो यहाँ पे बना के गया हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई है इसके अंदर, रेट्स के रिलेटेड भी बताया कि यहाँ पे अभी जितने लोग आ रहे हैं एंड यूज़र हैं यहाँ पे, लोग घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले दो साल के अंदर इनको 2025 से पहले मैं फेज 7 के अंदर समझता हूँ कि कोई प्लॉट भी आपको 4 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि मार्केट में जैसी पुरानी सूरत आ रही, जिस तरह के भी हालात हैं, पोलिटिकल सिचुएशन हैं, लेकिन मेरे हिसाब में मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि फेज 6 अभी फेल हो चुका है। फेज 6 के बाद अभी जो बिल्डर्स हैं, जेन्युइन कस्टमर हैं, वो फेज 7 को ही रजू करेगा क्योंकि अभी 9 प्रिजन के अंदर 2 ब्लॉकों में उन्होंने पोजेशन दिया बट उसमें भी घर बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि फेज 7 के अंदर एंड यूज़र आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है और अभी भी बहुत टाइम है आपके पास आइडियल कि आप यहाँ पे प्लाट परचेज़ करें और अपना घर शुरू कराएं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन जो पोर्शन है यहाँ पे अभी वाई ब्लॉक में हम बैठे हैं, एच ब्लॉक है, आगे यू ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, वी ब्लॉक है, डब्ल्यू ब्लॉक है, आगे एस ब्लॉक में बेहतरीन प्लाट में सेल भी कर रहा हूँ। इसके अलावा क्यू ब्लॉक के अंदर आर ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुका है, पीछे पी ब्लॉक में ये सारे प्लॉट्स जो जितने ब्लॉक्स हैं इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रेट चल रहे हैं और एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है और जितने मैप यहाँ पर अप्रूवल हुई हुई है मैं समझता हूँ 2022 के एंड में और 23 के मिड में आप देखेंगे यहाँ पर और काफ़ी एक्टिविटी होगी और बेहतर होगी। तो बेहतर है कि आप ये वेट ना करें कि हम यहाँ पर प्लॉट परचेज करें, अभी करें, वेट करें, वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जो है यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिखाना है, अच्छा अच्छा सवाल लेफ्ट दिखाए पेट्रोल पंप बन रहे हैं, ये बिल्कुल मेट्रोलों के साथ पेट्रोल पंप बन रहा है और जबकि हमने देखना ये सिचुएशन जो भी आपके सामने रखी है कि जो अभी पोलिटिकल सूरत हाल जा रही है काम की, उसमें लोग काफ़ी देख रहे हैं कि हम वेट करें। मेरे ख्याल में वेट नहीं बनता फेज 7 के लिए, वेट नहीं बनता कि आप वेट करें, रेट डाउन करेगा, रेट यहाँ पे डाउन नहीं होगा, रेट इसी स्पीड से चलता रहेगा। रेमेज जिस तरह पहले फेज 7 ने पीक जो लेना था वो पहले ले चुका है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेगुलर कस्टमर है और रेगुलर रूटीन में एंड यूज़र है, बिल्डर है, तो यहाँ पर काम होता रहेगा। 10 मरले में, 5 मरले में, 1 कनाल में, 2 कनाल में कमर्शियल एक्टिविटी, इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं सब के लिए और एंड यूज़र के लिए जिन्होंने जिनको हमने परचेज़ करवाया था तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट लिया, जो एंड पे घर बनाएंगे यहाँ पे बड़ी अच्छी एक्टिविटी होगी। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।